नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक आयोग की धारा की वैधता को चुनौती, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की है याचिका। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा क्लॉज सी की वैधता को चुनौती दी गई है। इस धारा को मनमाना है और संविधान के विरुद्ध बताया गया है। साथ ही धार्मिक और भाषाई आधार पर जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। केंद्रीय योजनाओं के लिए आया विकास का पैसा लैप्स नहीं होगा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए आया विकास का पैसा अब लैप्स नहीं होगा। स्टेट नोडल एजेंसी के बैंक खाते में डाला गया बजट अगले वित्त वर्ष में भी खर्च किया जा सकेगा। अगर बजट एसएनए खाते से बाहर रहा और दूसरे खाते में जमा रहा तो इसे वापस मंगवा लिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों की केवाईसी पर हाईकोर्ट की अगले आदेश तक रोक। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिपो संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्यन वेदी की अदालत के इस फैसले से सुबह के 5044 राशन डिपो धारकों और जनता को राहत मिली है। हिमाचल में 2555 एसएमसी शिक्षकों को मिलेगी 10 कैजुअल लीव। सरकार की मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। जी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को जल्द ही 10 कैजुअल लीव मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार की मंजूरी को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। एक माह की ड्यूटी के बाद एसएमसी शिक्षकों को एक कैजुअल लीव मिलेगी। अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों की तर्ज पर ही एसएमसी शिक्षकों को छुट्टियों का लाभ मिलेगा। वर्ष 2012 से दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों को सरकार की ओर से हर वर्ष एक एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। हर वर्ष इनके वेतन में 500 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी की जा रही है। हिमाचल के किसानों को 5 लाख में मिलेगा 12.50 लाख का ड्रोन। जी हां, खेतों में तरल खाद दिए या कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला 12.50 लाख रुपये का ड्रोन किसानों को 5 लाख में मिलेगा। किसानों को शुरुआत में मात्र 50,000 रुपये देने होंगे, बाकी रकम आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे। कृषि विभाग को यह ड्रोन 10 लाख रुपये में मिलेगा, जबकि किसानों को विभाग 50% अनुदान पर मुहैया करवाएगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रशिक्षण के लिए यह ड्रोन निःशुल्क दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी को आसान बनाने के लिए इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। इसी के तरह यह ड्रोन किसानों के दिए जाएंगे। इसका खुलासा नौनी विश्वविद्यालय में हुए राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए कृषि कार्यों में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। मणिकर्ण के पुलगा जंगल में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने दी दबिश। जी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मणिकर्ण की पार्वती वैली के पुलगा जंगल में शनिवार देर रात को पुलिस ने दबिश देकर रेव पार्टी को बंद करवाया। पुलिस को देखकर रेव पार्टी में शामिल सैलानी और स्थानीय लोग जंगल की ओर से भाग गए। पुलिस ने आयोजक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मौके से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। जंगल में चल रही रेव पार्टी में 75 से 80 सैलानी और स्थानीय लोग डीजे के धुनों पर नाच रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी नशे में धुत थे। हिमाचल बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मियों को भी मिलेगा संशोधित वेतनमान। जी हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के 3000 अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा वेतन मिलेगा। बिजली बोर्ड में जनवरी 2022 से पहले भर्ती अनुबंध कर्मचारियों को मासिक वेतन में 800 से 3500 रुपये तक का फायदा होगा। नियमित कर्मियों के लिए तय में मैट्रिक्स के आधार पर अनुबंध कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। बिजली बोर्ड ने संशोधित वेतनमान देने के लिए सरकार का फॉर्मूला अपनाया है। शनिवार को इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हद में रहे अधिकारी, प्रदेश में अगली सरकार हमारी ही बनेगी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को लिमिट में रहने की सलाह दी है। सोलन में उन्होंने कहा है कि अधिकारी उतना ही करें जितना कि पच जाए। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे रंग में हैं कि उन्हें लगता है कि सुबह ही नहीं होगी, मगर 3 माह की बात है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की ही आएगी। उपायुक्त शिमला ने मंत्री के दबाव में आकर वार्डों का गलत परिसीमन कर दिया, उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हिमाचल के धर्मशाला में 13 साल बाद रिकॉर्ड गर्मी, जाने 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। जी हां, मैदानी राज्यों के साथ अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी तपने लगे हैं। 4 दिन और प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में तो गर्मी ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 37 डिग्री पहुंच गया है।
ऊना जिले के लोग भी 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी का टॉर्चर सहने के लिए बेबस है। मैदानी राज्यों से भले ही पर्यटक राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहां भी गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। शिमला में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अनुमान राजधानी का औसत पारा 25 डिग्री से नीचे ही रहता है। रोपवे में अब रात 8 बजे तक जा सकेंगे पर्यटक, 15 दिन का ट्रायल शुरू। जय हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग अब रात 8 बजे तक धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे में सफर का लुत्फ उठा सकेंगी। इससे पहले रोपवे को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित किया जा रहा था। कंपनी ने यह व्यवस्था 15 दिन के लिए ट्रायल बेस पर शुरू की है। रोपवे का एक तरफ का किराया 340 रुपये और आने जाने का 500 रुपये है। जानकारी के अनुसार पर्यटन सीजन में रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने पर्यटकों को राहत प्रदान की है। इमरजेंसी के वक्त जेल जाने वाले को 20,000 प्रतिमाह सरकार 2 स्लैब में देगी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि। जी, पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान देश में 70 के दशक में लगी इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले को अब हर महीने 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह स्कीम लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के नाम से लागू की थी, जिसमें अब 2 स्लैब बनाए गए हैं। इसके साथ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि जेल की अवधि 1 से 15 दिन हो तो हर महीने 12,000 रुपये मिलेंगी। 15 दिन से ज़्यादा की जेल पर अब राज्य सरकार हर महीने 20,000 रुपये देगी। भूख हड़ताल पर बैठे प्राध्यापक संघ की सरकार को चेतावनी, शीघ्र मानी जाए मांगे। जी, प्रदेश महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के बैनर तले धरना 10वें दिन भी जारी है। संघ ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक लड़ाई लड़ती रहेंगी। शनिवार को सभी प्राध्यापक पूरा दिन भूख हड़ताल पर रही। संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार एक तरफ कर्मचारी हितैषी होने का दावा कर रही है, वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है। खजाना खाली, कैसे पूरी होंगी करोड़ों की घोषणाएं, मुख्यमंत्री घोषणाओं पर नेता प्रतिपक्ष का तंज। जी हां, श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस महिला सम्मेलन के बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पत्रकारों से रूबरू हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सीएम रोजाना करोड़ों रुपये की घोषणा कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है और ये घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्जों में बोझ तले डूब रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेता उनके पास राज्यों से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं। दिव्यांगों के लिए 4% कोटा विकलांग एसोसिएशन ऊना की बैठक में उठी मांग। जी हां, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ऊना की बैठक रविवार को विश्राम गृह ऊना में जिला प्रधान तरसेम चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव नेत्र चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रही। बैठक में दिव्यांगों के लिए 4% कोटा व अन्य सुविधाओं को लेकर मंथन किया गया। राष्ट्रीय महासचिव नेत्र चौधरी ने बताया कि पालमपुर में आयोजित कैंप में विधानसभा स्पीकर विपिन परमार भी उपस्थित रहे, जिनको दिव्यांगों के बारे में 4% कोटा व अन्य सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया। विपिन परमार ने भी हर मांग को लेकर पूरा आश्वासन दिया। इस मौके पर महासचिव नेत्र चौधरी ने जल्द ही अल्मिको द्वारा एक कैंप ब्लॉक इंदौरा में लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। प्रदेश को खेतों की सिंचाई के लिए मिलेंगे केंद्र से 222 करोड़। जी, हिमाचल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार को 222.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भेजा गया एक्शन प्लान मंजूर कर दिया है। हिमाचल सरकार ने स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी की मंजूरी के लिए मई के दूसरे सप्ताह में ही 222.55 करोड़ रुपये का प्लान केंद्र को भेजा था। भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।